और कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। Yes, we made two changes. Amil was okay, you know, it hit the ball in the shoulder, but he was okay. Yeah, we made couple of changes in the side, two changes in the team. What change? Fakhar Zaman in for Ahmed Shahzad, and obviously Wahabia is not playing. Junaid Khan is in. Is it a change for the squad? Because the PCB has not discovered any change for the squad. Yeah. Yeah. Do you have any change for the squad? Yes, Romanberry's replacement. Romanberry's ICC, after the ICC confirmation, Romanberry's included in the squad. Yeah. After the ICC. You haven't played South Africa for quite a few years. What do you expect from them in this game? I think we'll be playing against in World Cup 2015, then now we're playing together. So, you know, South Africa is a very good team, so we will work out on South Africa's team combinations. Sarfaraz, India ke khilaf match mein Pakistan ki team jo shock ki kaifiyat mein thi, to ab kafi 48 ghante taqreeban ho gaye, to usse bahar aa gayi, kyunki lag raha tha ki Pakistan India match ka jo pressure hota hai, नए लड़के खास तौर पर काफी उन्होंने अपने ऊपर प्रेशर आसान पर ले लिया। जी बिल्कुल, देखें इंडिया पाकिस्तान का मैच जैसा आपने बताया कि प्रेशर मैच था, और कुछ तकरीबन चार पांच लड़के जो पहली बार इंडिया के अगेंस्ट खेल रहे थे, हो सकता है कि उन्होंने शायद प्रेशर फील किया, लेकिन उसके बाद देखिए हमने कोशिश की कि उनको चीज से बाहर निकाला जाए, और अभी कैंप का मूड बहुत अच्छा है। मैच के बारे में डिस्कस हुई थी, आज भी हमारी बड़ी ब्रीफली टीम मीटिंग हुई है, और कोशिश की है कि लड़कों को उस चीज से बाहर निकाला जाए, और चूंकि आगे आने वाले दो मैचेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो होपफुली इंशाल्लाह जो आगे आने वाले मैचेज में टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। सरफराज, आपका टॉप फाइव में रिकॉर्ड काफी अच्छा है, इंग्लैंड में भी आपकी एक सेंचुरी है लास्ट ईयर लॉर्ड्स में, लेकिन आपके मुसलसल नंबर छह के ऊपर बैटिंग करने की क्या वजह है? देखें उस वक्त जो है कॉम्बिनेशन थोड़ा सा डिफरेंट था, उस वक्त थोड़े से जो कॉम्बिनेशन था हमारी टीम का डिफरेंट है। अभी जो हफीज, इस वक्त हफीज भाई टीम में नहीं थे, अभी हफीज भाई जो है वो मिडिल ऑर्डर में खेल रहे, तो इतना थोड़ा सा डिफरेंट कॉम्बिनेशन हम ट्राई कर रहे हैं, तो देखें आने वाले वक्तों में हो सकता है कि मैं बैटिंग करने वाला हूं, लेकिन देखें अभी हफीज भाई चार पे खेल रहे हैं, बाबर तीन पे खेल रहा है, शुएब भाई पांच पे खेल रहे हैं, मैं छह पे, तो अभी जो कॉम्बिनेशन चल रहा है हम उसी को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं अभी। एनी पर्टिकुलर रीजन के हफीज को बॉलिंग में यूटिलाइज नहीं किया गया पिछले मैच में? देखें कोई रीजन नहीं था, उस वक्त जो ट्राई थी आप देखेंगे सिर्फ दो वाली शुएब भाई से करवाया, उसके बाद हमें विकेट मिल गई थी, तो मैं नहीं समझ रहा था कि हमें यहाँ पे हफीज भाई को या और स्पिनर को ट्राई करना चाहिए अगेंस्ट विराट कोहली। जब विराट कोहली बैटिंग करने आए तो फौरन ही मैं अपने मेन बॉलर्स लेके आया हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो जाके सेट हो, आपने देखा कि वो शुरू में सेट नहीं हुआ था, वो आखिर में जाके उतना हिट आउट किया, तो कोशिश यही थी कि अपने मेन बॉलर को उनके मेन बैट्समैन के सामने लाया जाए। सरफराज, कखीस और अबादा नंबर वन रैंक बॉलर है और अभी आईपीएल भी खेल के आए, तो इनके खिलाफ आपकी कोई प्लानिंग की, क्योंकि आप लोग इनके खिलाफ तो नहीं खेलते? जी देखें बिल्कुल, काफी अर्से से हम लोग नहीं खेले, ऑब्वियसली देखें जो भी जिस टीम के खिलाफ भी हम लोग मैच खेलते हैं तो पूरी प्लानिंग के साथ जाएंगे इंशाल्लाह, और कल भी जो आपने बात की कि रबाडा अच्छी बॉलिंग कर रहा है, नो डाउट नंबर वन बॉलर है, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश देखिए कि उसकी वीडियोस देखिए, तो इंशाल्लाह उसी के मुताबिक उसको खेलने की कोशिश करेंगे। सरफराज, इंडिया के खिलाफ मैच पर टीम पर बड़ी तनकीद हो रही है, खासतौर पर आपके ऊपर बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं कि आपकी कप्तानी जो है वो एक्सपोज हुई, खासतौर पर कि टॉस जीतकर आपने इमाद वसीम से क्यों बॉलिंग कराई, जरा इसका जवाब दे। देखें वो हमारी टॉस जीत के बिल्कुल, देखें हमारा ये प्लान था कि हम लोग पहले फील्डिंग करेंगे, कोशिश करेंगे उनको रिस्ट्रिक्ट करें, और जहाँ तक बात रही इमाद वसीम की, तो हमारा ये आइडिया था कि हम उससे नया बॉल कराएंगे, और जिस जरा अगर आप ये देखते हैं कि ठीक है हमने उनके आउट नहीं किए, लेकिन अगर आप 40 ओवर तक आप उनको देखेंगे ठीक है एक आउट था, लेकिन उस वक्त हम उनको 5 के रन रेट से लेके जा रहे थे, अगर हो सकता है कि कैच अगर हम लोग पकड़ लेते और आखिर में हमारी अगर बैट बॉलिंग ना होती तो मे भी हम उनको 2-40, 2-70 तक रिकवर कर सकते हैं, लेकिन होता ये है कि जब चीज़ें बुरी आती हैं तो वो सारी चीज़ें आपकी जो है वो ख़राब दिखती हैं। हमने मिसफील्डिंग भी की, हमने कैचेस भी ड्रॉप किए, और आखिरी 8 ओवर में जो हमने रन ज़्यादा दिए, 8 ओवर में आखिरी 3 ओवर में 4 ओवर में आप देखें तो 70 ऑलमोस्ट 70-75 रन बने, जिसका कॉस्ट हमें जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ इसका आखिर में। सरफराज, कितने कॉन्फिडेंट हैं आपके 124 रन के डिफीट के बाद टीम बाउंस बैक कर लेगी कल के मैच में, और
मतलब क्योंकि नेट रन रेट को भी आपको लेके आगे बढ़ना होगा, बड़ा नेट नेट चल रहा होगा तरीके से। और दूसरा एक और सवाल ये कि कल ओपन कौन करवाएंगे आप, किससे करवाएंगे, फखर को ऊपर भेजेंगे या हाफिज और अजहर होंगे? देखिए आपका आखिरी सवाल का जवाब भी चलेंगे, ऑब्वियसली फखर जमान जो है वो अहमद शहजाद ओपन करेंगे रजी अली के साथ। और जहां तक रही बात की देखें, एज अ कैप्टन बिल्कुल मैं कॉन्फिडेंट हूँ और लड़के बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हैं, उनको कोशिश की है। सर आज हमारी सुबह टीम मीटिंग हुई है, लड़कों से बात की गई कि जो आपका गेम है किसी चीज को प्रेशर फील करने की जरूरत नहीं है, और इंशाल्लाह एज अ कैप्टन और लड़कों से बात भी हुई है, तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है टीम अच्छा बाउंस बैक करेगी टूर्नामेंट में। लास्ट क्वेश्चन सरफराज, हमने देखा कि 10 ओवर्स में 46 किए इंडिया ने और हम लोगों को लग रहा था हम कंट्रोल में हैं। अगर आप इसको एक बिल्कुल टैक्टिकली स्टाइल से देखें तो ये उल्टा था कि हम रोहित और शिखर धवन जैसे प्लेयर्स को सेट होने का मार्जिन दे रहे थे। उसके बाद हम ये देखते हैं कि हसन अली को, जो कि अगर आप नई गेंद से आउट नहीं करते और 90 ओवर में आप हसन अली को लेके आते हैं, उसके बाद आप ये देखते हैं कि कोहली के सामने आप 4 ओवर स्पिनर से करवा देते हैं। तो मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि क्या ये टेक्निकल डिसीजन जो है ये आप तजुर्बे से सीखेंगे, या आप ये समझते हैं कि वाकई सब चीजें उल्टी हो गई और ये किस्मत की बात थी, या अब हम सिर्फ दुआओं पे गुजारा करें, क्या करें हम? देखिये ऑब्वियसली देखिये कुछ मिस्टेक्स हुई है, बिल्कुल उसको मानना चाहिए, जो गलतियां हुई है उसको बिल्कुल मानना चाहिए। हो सकता है कि हो सकता है वक्तों के साथ साथ मैं भी आने वाले वक्तों में सीखूंगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि ठीक है, ऐसा लगता है कि क्योंकि जो सिनेरियो बन रहा है उसमें नई बॉल जो है वो फास्ट बॉलर से करवानी चाहिए, लेकिन हमारी जो प्लानिंग था हिस्सा था वो यही था, लेकिन कोशिश देखिए आने वाले वक्तों में अगर ऐसी दोबारा कंडीशंस आएगी तो ऑब्वियसली नई बॉल जो है वो फास्ट बॉलर से करवाई जाएगी। और जहां तक रही बात कि विराट कोहली की, अगर देखें सिर्फ 2 ही ओवर शायद इमाद वसीम ने किए, उसके अलावा शताब क्योंकि बहुत अच्छी बॉलिंग उस वक्त कर रहा था और उसके फौरन बाद ही फास्ट बॉलर आ गए थे, तो ऐसा नहीं मैं समझता कि हमने बहुत ज्यादा स्पिनर्स विराट कोहली को खेलने के लिए, जैसे वो बैटिंग करने आया तो आप देखेंगे दोनों एंड से मैंने कोशिश की उसके अगेंस्ट फास्ट बॉलर ट्राई किए गए। सरफराज, आपने कहा था इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इंडिया के खिलाफ नई टेक्निक और नई चीज लेकर आएंगे, और क्या नई चीज थी जिसके बाद आप मैच आ गए? देखें सर ऑब्वियसली कहा तो बिल्कुल था कि नई चीज लेके आएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखें जो प्लान किया था वो नहीं हो सका और हमारा बुरा दिन था, हमने बिल्कुल अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, ना बैटिंग में ना बॉलिंग में ना फील्डिंग में, तो जो चीजें प्लान की गई थी ऑब्वियसली वो नहीं हो पाई, तो जिसकी वजह से कोई भी चीज नहीं दिख पाई। कौमी टीम के कप्तान सरफराज अहमद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच के लिए हतमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। अहमद शहजाद नहीं खेल रहे, उनकी जगह फखर जमान को शामिल किया गया है, जबकि वहाब रियाज चूंकि अनफिट हो गए थे लिहाजा उनकी जगह पे जुनेद खान अब टीम में शामिल होंगे।